हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद अनदर फॉल्ट। अपने पास ये गाड़ी है बोलेरो SLX SLE, लगभग दोनों में एक ही ECM रहता है, डेल्फी 2.5। तो इस गाड़ी में दिक्कत क्या थी, गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती थी। तो अभी इस गाड़ी में कस्टमर ने सर्विसिंग करा दी, सब कुछ करा दिया, इजा क्लियर करवा दिया, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी में दिक्कत आ रही है। तो गाड़ी फिर ये अपने पास आई है, इस गाड़ी में फिर मैंने स्कैन करी है, तो स्कैन में कोई कोड नहीं बता रहा। तो मैंने इसकी ब्रेक लाइट वगैरह, ब्रेक स्विच वगैरह, इस सब पूरी वायरिंग चेक करी तो सब फ्रेश दिखी मुझे। तो आगे से मैंने बोनट देखा तो इसका जो कपलर है, ये रेल प्रेशर स्विच वाला, तो रेल प्रेशर स्विच वाला कपलर ख़राब था, पूरा जला हुआ था। तो मैंने इसका कपलर निकाल लिया हूँ, कपलर अब मैं इसमें दूसरा डालूँगा, फिर गाड़ी ट्रायल पर जाऊँगा। आई होप गाड़ी ओके हो जाएगी ये कपलर डालने से, क्योंकि उसकी वजह से कपलर ख़राब था, तो चलते चलते गर्म होता था तो करंट मिस करता था, या फिर गर्म होता था तो फिर मतलब चलते चलते, या फिर कहीं जर्किंग होती थी गाड़ी, तो उसकी वजह से शायद हिल जाता होगा अपनी जगह से। तो इसका यही प्रॉब्लम था, और अभी मैं ये प्रॉब्लम क्लियर करता हूँ, फिर गाड़ी ट्रायल करके फिर इसमें आपको बताता हूँ मैं कि ये प्रॉब्लम से हुआ गाड़ी ओके या नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी विदाउट नो फॉल्ट कोड है, और फॉल्ट कोड है पर क्या है, एसी कंप्रेशर का है। एसी कंप्रेशर के लिए अपने पास गाड़ी नहीं आई है, इस वजह से एसी कंप्रेशर का इसमें काम हम नहीं कर रहे हैं। बाकी एसी कंप्रेशर का भी इसमें रिले या फ्यूज़ ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो अभी इसके चारों इंजेक्टर भी बने हैं, देखिए आप। तो मैं अभी ये बनाता हूँ, फिर आपको इसका बताता हूँ। ये देखिए, अभी तो कस्टमर चाबी लेके गया है, कस्टमर को ही मैंने सामान लेने के लिए भेजा, क्योंकि सामान तो अपने पास इसका अवेलेबल है, लेकिन क्या है, पैसे नहीं देते कुछ लोग, तो इस वजह से अपन उसे ही भेजे हैं। बाकी इसकी सर्विसिंग वगैरह हो गई है। और अगर इसकी कनेक्टर की बात करें तो इसका कनेक्टर ये यहाँ पर लगता है, आपको दिख रहा होगा, आप ये पैनल इसके लगा रहता है, ये उतारेंगे तो ये खुल जाएगा, है ना। बाकी यही है, बाकी वो फिर बताता हूँ मैं आपको।